मॉर्निंग। आज मैं क्लास 4 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूँ नन फ्रॉबलिंग प्लांट्स के बारे में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ तो नन फ्रॉबलिंग प्लांट्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो इसके लिए आप लोग पहले क्या करें कि आप लोग वीडियो के लिए देखने के लिए पहले आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने पास एक नोट कॉपी ले लें। नोट कॉपी लेना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है ना। नोट कॉपी लेंगे तो ही आप सीख पाएंगे कि यहाँ आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे और सीखेंगे भी, है ना। तो आप लोग इस काम को करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को आज जो है पढ़ाऊँगा मैं, जो सारी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, है ना, इन सारी चीज़ों को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे। और मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं पढ़ा दूँगा आप लोगों को कि करना क्या क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में। ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहले आप लोग कॉपी एक निकाल लें, है ना। कॉपी निकाल लेने से क्या होगा कि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे पहले लिखवाऊंगा उसको आप लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि आज आप लोगों को कुछ मीनिंग्स लिखवाने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करें कि मीनिंग्स लिखने के लिए आप लोग याद से कॉपी ले लें, है ना। और सबसे पहले लेसन का नाम वगैरह आप लोग लिख के तैयार हो जाएं, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6, है ना, नन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो नन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है क्लास 4 के लिए, है ना। आप लोग देख रहा होगा, मैं क्या करूँगा कि पहले मैं बुक को आपको देख लेता हूँ, है ना। जहाँ तक मुझे लगेगा कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि उन सारी चीज़ों को पहले मैं मीनिंग्स आपको लिखवा देता हूँ। तब तक आप क्या करें कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसी चीज़ों को कि आप लोगों को करना क्या है। तो आप लोगों को एक पेन कॉपी अपने पास लेके बैठना है। मैं देख लेता हूँ, पहले आप लोग मीनिंग्स लिख लीजिए, है ना। पहले आप लोग क्या लिख लीजिए, मीनिंग्स लिख लीजिए, हेडिंग भी कर लीजिए, वर्ड मीनिंग। आप लोग हेडिंग भी कर लीजिए यहाँ पे, क्या तो वर्ड मीनिंग इसके बारे में। चलिए सबसे पहले आप लोग नंबरिंग करके मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्लांट, है ना। प्लांट के बारे में लिखना है आपको। इसके बाद वर्ड है टॉक्ट, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा आपको। अबाउट, अनटिल, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फिर थिंग, कॉमन, है ना। इसके बाद है रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, हेल्प। फ्लावर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, फूल को कहा जाता है फ्लावर्स। ओनली, काइंड, है ना। इसके बाद मैं लिखता हूं आपको टिनी, है ना, सी, माइक्रोस्कोप, है ना। फिर है आपको क्या, तो बिग, है ना, रियली। हाँ चलिए, इतना दूर पहले हम लोग देख लेते हैं, समझा देता हूँ इतना दूर को मैं। प्लांट का मतलब होता है पौधा, टॉक्ड का मतलब होता है जिसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया हो। ऐसे तो होता है बात करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, चर्चा करना। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अनटिल का मतलब होता है जब तक, मतलब कोई काम आप जब तक करते रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनटिल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनटिल कहते हैं। थिंग का मतलब होता है वस्तु। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य होता है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है प्रजनन करना, है ना। हेल्प का मतलब होता है सहायता। फ्लावर्स को फूल कहा जाता है। ओनली को केवल, काइंड का प्रकार, टीनी बहुत छोटा, सी मतलब देखना। माइक्रोस्कोप कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी को। बिग का मतलब होता है बड़ा और रियली का मतलब होता है सचमुच। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग को दिखाई देगा। जितना दूर मैं मीनिंग लिखाऊंगा उतना ही दूर मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए लिखा हुआ, द प्लांट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट अनटिल नाउ हैव वन थिंग इन कॉमन। जिस पौधों के बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया उसमें एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, तो लिखा हुआ है कि दे, है ना, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे,
कि लिखा हुआ है दे ऑल रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, यानी जितने भी होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फ्लावर से रिप्रोड्यूस करते हैं। लिखा हुआ बट दीज आर नॉट ओनली ओनली काइंड ऑफ प्लांट्स, लेकिन सिर्फ इसी प्रकार के पौधे नहीं होते, और भी अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स, बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लावर नहीं होता है। सम ऑफ दीज आर सो टिनी, इनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं, दैट यू कैन सी देम ओनली विथ अ माइक्रोस्कोप। अ माइक्रोस्कोप हैज लेंसेज विच मेक थिंग्स लुक मच बिगर देन दे आर रियली, इनमें से कुछ पौधे इतने छोटे होते हैं जिसको हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, उसको देख सकते हैं हम लोग किसकी हेल्प से, तो हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। हम लोग किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ए माइक्रोस्कोप हैज लेंसेज, जिसके पास बहुत अलग प्रकार का लेंस होता है जिसकी सहायता से किसी भी छोटे चीज को बहुत बड़ा करके देखा जा सकता है, बिगर देन रियली आर, है ना, मतलब वो जैसे हैं उनके मुताबिक बहुत बड़ा करके इनको देखा जा सकता है, इसके बारे में है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर पहले हम लोग कुछ मीनिंग्स लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है लिव, है ना, इसके बाद लिखना है क्या, वाटर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद लिखना है फॉर्म, है ना, फिर है स्लिमी, है ना, इसके बाद है ग्रीन, फिर है लेयर, लेयर, फिर है ओवर, इसके बाद है पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के बाद बात करूं तो मैं है पोल्स, है ना, ड्रेन्स, इसके बाद बात मैं करूं फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट के बाद मैं बात करूं तो रिवंस, रिवंस, है ना, इसके बाद मैं बात करता हूं तो बात करता हूं किसको, ऑलमोस्ट, फिर मैं बात करता हूं किसका, ट्री का, है ना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं ओन, फिर है मेरा फूड, है ना, आप लोग देख रहे होंगे यूजिंग, इसके बाद है डिस्कस, डिस्कस, है ना, फिर है एनिमल्स, फिर है डिपेंड, आप लोग देख रहे होंगे लैंड प्लांट्स, लैंड, फूड तो मैंने लिख ही दिया है, फिर है सिमिलरली, सिमिलरली, इसके बाद है लिविंग, है ना, इसके बाद है आपका रिप्रोड्यूस मैंने लिख दिया ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, है ना, इसके बाद है मोर, फिर है पार्ट्स, है ना, इसके बाद है सीड्स, है ना, इसके बाद है ग्रो। तो ये सारे मीनिंग्स को आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे लिख लें, है ना, और लिखने के बाद जैसे ही मैं लेसन आगे की ओर पढ़ाऊंगा आप लोग उसको करते चलेंगे। तो देखिए आपके सामने आपका बुक भी खुल गया है। लिखा हुआ दिस प्लांट्स लिव इन वाटर, है ना, बहुत सारे पौधे जो होते हैं, जैसे एल्गी के बारे में यहाँ बात हो रहा है, तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो रहते कहाँ हैं, वाटर में, पानी में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ सम ऑफ देम फॉर्म्स अ स्लिमी ग्रीन लेयर ओवर पॉन्ड्स पूल्स एंड ड्रेन्स, इनमें से कुछ क्या होता है कि ये स्लिमी जैसा फॉर्मेशन करता है, किसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, स्लिमी जैसा फॉर्मेशन करता है, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो कैसा फॉर्मेशन करता है, तो स्लिमी जैसा फॉर्मेशन कर लेता है, ग्रीन लेयर होता है तालाबों के ऊपर, पुल्स के ऊपर, नालों के ऊपर। सम फ्लोट्स इन पॉन्ड्स लाइक थीन ग्रीन रिबन्स, कुछ जो होते हैं रिबन के जैसा, पट्टियों के जैसा, ये क्या करते हैं कि फ्लोट करते हैं तालाबों में। सम आर सो टिनी दैट यू कैन ओनली सी देम विथ अ माइक्रोस्कोप, इनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं, है ना, जिसको की सहायता, किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अदर्स कॉल्ड सीवेड्स, है ना, कैन ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज अ ट्री, और बाकियों को क्या कहा जाता है, तो आपको सीवेड्स कहा जाता है, जिसमें क्या होगा कि ये ट्री जैसे लंबे हो जाते हैं। आगे मैं लेके चलता हूं आपको, बहुत आगे आ गया मैं, थोड़ा सा आप लोग देख लें, है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आप लोगों का। चलिए लिखा हुआ ऑल एल्गी हैव क्लोरोफिल, जितने भी एल्गी होते हैं इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है।
सो दे मेक देअर ओन फूड. अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो अपना भोजन खुद से बना लेंगे यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसका इस्तेमाल करके? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करके या क्या करेंगे, खुद से अपना भोजन ये बना लेंगे. आप लोग को दिखाई दे रहा होगा. वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी एंड अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन लैंड प्लांट्स फॉर फूड. हम लोग ये जानते हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम लोग और सभी जीव जंतु जो होते हैं कैसे डिपेंड करते हैं ग्रीन लैंड प्लांट्स पे, कि किस तरीके से जो है हम लोग डिपेंड करते हैं उनके ऊपर भोजन के लिए, है ना. लैंड प्लांट्स पे हम लोग क्या करते हैं कि डिपेंड करते हैं किस चीज़ के लिए, तो हम लोग भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, है ना. तो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये सारी चीज़ें. अब जो है इसके बाद कि आप लोगों को और जानना है कि लिखा हुआ है सिमिलरली एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ठीक उसी प्रकार से जो पानी में जीव जंतु रहते हैं वो डिपेंड्स ऑन एल्गी एंड अदर वाटर प्लांट्स फॉर फूड. तो पानी में जो जीव जंतु रहते हैं वो एल्गी जैसे पौधे पर या फिर और किसी प्रकार के वाटरी प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं. सम एल्गी प्रोड्यूसेस बाय ब्रेकिंग अप इंटू टू और मोर पार्ट्स. कुछ एल्गी जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को दो या दो से अधिक भागों में बांटकर. अदर्स प्रोड्यूस स्पोर्स. कुछ जो होते हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं फॉर्म विच न्यू प्लांट्स ग्रो. स्पोर्स आर नॉट सीड. स्पोर्स सीड नहीं होता. दे डू नॉट ग्रोन फ्रॉम फ्लावर्स. ये फ्लावर्स से नहीं होते. इसका मतलब ये सीड्स नहीं होते हैं. अब हमको जानना है फंगी के बारे में. अब किसके बारे में जानना है हमको? फंगी के बारे में जानना है. तो इसके जानने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले फिर से हम लोग कुछ मीनिंग्स लिख लेते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे. फंगी के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले लिख लेते हैं रॉटिंग. आप लोग जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोग को लिखते रहना है. फिर मैं लिख लेता हूँ फ्रूट. फिर मैं लिख लेता हूँ ब्रेड, है ना. फिर मैं लिख लेता हूँ चीज. फिर अदर, है ना. फिर मैं लिख लेता हूँ आपको नेबर, टेस्ट, आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्लेसेस, पॉइजनस. है ना. इसके बाद मैं लिख लेता हूँ डाइजेस्ट, अ स्टफ, डाइजेस्टिव जूस. या डाइजेस्टिव नहीं लिखता हूँ, डाइजेस्ट तो मैंने लिख दिया है, सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे जूस. जूस, लेदर, फॉलन लॉग्स. इसके बाद मैं चलता हूँ अगले पेज की ओर. लिव्स, डंग, एनीथिंग, कम्स, एब्जॉर्ब, रेस्ट, मिक्स, सॉइल, वेस्ट, फर्टिल. चलिए इतना दूर हो गया. अब हम लोग चलते हैं फिर से बुक की ओर. देखिए आपके स्क्रीन पे आपका बुक दिखाई दे रहा है ना. आप लोगों के आगे आपका स्क्रीन जो है उस पर बुक जो है आपका क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है. तो चलिए इसको देख लेते हैं. लिखा हुआ फंगी के बारे में कि मॉल्स ग्रोइंग ऑन रॉटिंग फ्रूट्स, स्टेल ब्रेड्स, चीज एंड अदर फूड आर फंगी. वैसे मॉल्स जो फलों पर जो फल सड़ते हुए रहते हैं उन पे जो हो जाता है, ब्रेड पे हो जाता है, पनीर पे हो जाता है और भी बहुत सारी चीजों पे, वो क्या होते हैं, फंगी होते हैं. मशरूम्स आर ऑल्सो फंगी. मशरूम भी क्या होते हैं, तो फंगी ही होते हैं. मशरूम भी एक प्रकार के क्या होते हैं, तो ये फंगी ही होते हैं. वार्निंग, चेतावनी जिसको कहा जाता है, नेवर टेस्ट द मशरूम ग्रोइंग इन पार्क्स एंड अदर प्लेसेस, है ना. कभी भी पार्क्स में जाइए या फिर और किसी जगह पे जाइए और आपको मशरूम दिख जाए तो उसको टेस्ट मत कीजिए. बिकॉज सम ऑफ देम आर पॉइजनस. क्योंकि क्या होता है कि इनमें से कुछ जहरीले होते हैं. फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल. फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता. फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना. इनके पास क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं. दे डाइजेस्ट द स्टफ दे ग्रोन ऑन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस की सहायता से, डाइजेस्टिव जूसेस की सहायता से ये डाइजेस्टिव स्टफ को
क्या करते हैं कि ये लोग जो होता है उसी से अपना भोजन जो होता है पचाने का प्रयास करते हैं और उसी की सहायता से अपना भोजन भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पे कि द स्टफ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि द स्टफ कैन बी फूड, लेदर, फॉलन लॉग्स, ट्विग्स, है ना। अब अगले पेज पे चलना होगा हमको। लिव्स, डंग, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहने का मतलब है कि ये जो होते हैं स्टफ किस पे करते हैं, तो ये भोजन पर, लेदर पर, गिरे हुए लकड़ी के टुकड़े पर, ट्विग्स पर, है ना, साथ में लिव्स पर, डंग पर, डंग कहते हैं गाय के गोबर को, है ना। एनीथिंग डस्ट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से आने वाली चीजों पर ये क्या करते हैं कि अपना भोजन का बंदोबस्त कर लेते हैं। लिखा हुआ है दे अब्सॉर्ब ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव स्टफ। ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव स्टफ के एक हिस्से को पचा जाते हैं। द रेस्ट मिक्सेस विद द सॉइल, और बचे हुए क्या होते हैं कि मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल, इसका मिट्टी में मिलना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इट गेट्स रिड ऑफ वेस्ट, इट ऑल्सो मेक्स द, है ना, ये क्या होता है कि ये सारे के सारे व्यर्थ पदार्थ होते हैं। इट ऑल्सो मेक्स द सॉइल फर्टिल, ये क्या करते हैं कि मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पौधे के उपज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फंगी रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, फंगी जो होता है स्पोर्स की सहायता से होता है। द स्पोर्स फ्लाई अराउंड इन द एयर, स्पोर्स क्या होता है कि फ्लाई हवा में ये आसानी से उड़ता है। वेन दे लैंड ऑन समथिंग दे कैन यूज एज फूड एंड दे ग्रो इन टू प्लांट्स, जब भी ये कहीं पर आ जाता है जमीन पर तो वहां पे अपने लिए भोजन का बंदोबस्त करता है और धीरे धीरे पौधे के रूप में हो जाता है। तो आज मैंने आपको यहां तक पढ़ाया, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो और भी बहुत सारी चीजों को करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे की आप लोग यहां देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर बहुत सारा मीनिंग लिखा हुआ है, इसको होमवर्क के तौर पर आप लोग क्या करेंगे कि लिख के भेजेंगे, है ना। होमवर्क के तौर पर सब मीनिंग को लिखेंगे और साथ में, है ना, आप लोग फेयर कॉपी अच्छे तरीके से तैयार करते रहेंगे। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग किसी नए चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।